नमस्कार आप सब लोगों को। आज हम स्टूडियो पे बात करेंगे टोयोटा ग्लांजा वर्सेस मारुति सुजुकी बलिनो। आपको बताऊंगा टोयोटा ग्लांजा में क्या क्या चेंज हुआ है कंपेयर टू मारुति सुजुकी बलिनो। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। शुरुआत करेंगे बलिनो से। दोस्तों इस कार की फ्रंट लुक आप देख सकते हो, शानदार आपको ब्लैक कलर में ग्रिल दिया है। उसके सराउंडिंग आपको मिलती है क्रोम का हाईलाइट, प्रोजेक्टर लैंप, एलईडी डीआरएल, ये सारे दिया है। उसके साथ ही ब्लैक कलर की एयर डैम है और दोनों साइड पे दोनों फॉग लैंप दिया गया है। दोस्तों हाल ही में बलिनो का फेसलिफ्ट आया था और इसका लुक कुछ ऐसा है। और उसके साथ ही दोस्तों इस कार की जो फ्रंट लुक आप ओवरऑल देखोगे तो ठीक ठाक है। अब हम बात करेंगे टोयोटा की ग्लांजा के बारे में। आप देख सकते हो दोस्तों इस कार की फ्रंट लुक हूबहू जैसा बलिनो है वैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। सिर्फ चेंज क्या है, फ्रंट ग्रिल में चेंजेस है। बलिनो का फ्रंट ग्रिल देखोगे तो वहां पे आपको ब्लैक कलर की इंसर्ट मिलता था, बट वो इंसर्ट आपको ग्लांजा में देखने को नहीं मिलता है। ग्लांजा में पूरी तरह से आपको क्रोम की हाईलाइट के साथ फ्रंट ग्रिल दिया है और एयर डैम, फॉग लैंप, हेड लैंप ये सारे सेम है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है टोयोटा ग्लांजा के अंदर। दोस्तों बात करेंगे इस कार की साइड प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों दोनों कार की साइड प्रोफाइल सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। और ये आप देख रहे हो टोयोटा ग्लांजा का साइड प्रोफाइल है और ऐसा ही बलिनो का साइड प्रोफाइल है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों बात करेंगे दोनों कार की अलॉय व्हील के बारे में। दोनों कार की अलॉय व्हील आपके सामने है। और दोस्तों मारुति सुजुकी बलिनो और टोयोटा ग्लांजा में कुछ भी चेंजेस नहीं है अलॉय व्हील में। दोनों का अलॉय व्हील सेम ही है और दोनों का अलॉय व्हील का साइज भी सेम है। जो आप फोटो में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि बलिनो का थोड़ा सा जूम आउट है और ग्लांजा की थोड़ा सा जूम इन है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिखने में आपको और दिख रहा होगा। बट दोनों का जो अलॉय व्हील साइज भी सेम है और डिजाइन भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। सिर्फ सुजुकी का लोगो के जगह टोयोटा का लोगो चिपका दिया गया है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे टोयोटा ग्लांजा की पीछे लुक के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हो ये टोयोटा जो ग्लांजा की पीछे लुक है, आपको सेंटर में मिलता है टोयोटा का बैज और इस साइड में आपको मिलती है ग्लांजा की बैज और उस साइड मिलती है वेरिएंट का बैज। एलईडी टेल यहाँ पे, रियर वाइपर है, ऊपर का स्पॉइलर मिल जाती है, नीचे की एयर डैम आपको दिया गया है। दिखने में इस कार की जो बैक प्रोफाइल हूबहू बलिनो से मिलता जुलता है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। और उसके साथ ही दोस्तों बलिनो का भी आप देख सकते हो कुछ भी चेंजेस नहीं है, याद इट इज जैसा ग्लांजा है वैसा ही बलिनो है, जैसा बलिनो है वैसा ही ग्लांजा है। सिर्फ बैजेस चेंज है, उसे जोड़ के कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है दोनों कार के अंदर। बात करेंगे इंटीरियर की, आप देख सकते हो ये है बलिनो का इंटीरियर। दोस्तों इस कार की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफी बढ़िया है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले ऐसा जो सुविधा आपको मिल जाती है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, एसी है और सिंगल टोन ब्लैक कलर के साथ इंटीरियर आ जाती है। एसी वेंट की सराउंडिंग आपको मिल जाती है सिल्वर कलर की इंसर्ट, और सेंटर कंसोल आप देख सकते हो वहां पे भी आपको मिल जाती है सिल्वर कलर के हाईलाइट। थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, सेंटर में आपको मिलती है सुजुकी का लोगो और ऑडियो मोटर स्टेरिंग कंट्रोल सिस्टम है। अब हम बात करेंगे टोयोटा ग्लांजा की, आप देख सकते हो टोयोटा ग्लांजा में याद जीती है जैसा हूबहू बलिनो का इंटीरियर था वैसे ही है। और ग्लांजा के अंदर भी आपको डुअल टोन इंटीरियर नहीं मिलता है, जैसा बलिनो में मिलता था वैसे ही है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। इवन सीट का अपोलोस्ट्री और अपोलोस्ट्री का कलर भी सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है टोयोटा ग्लांजा के अंदर। और एक्चुअली टोयोटा ग्लांजा सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ही इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टोयोटा ने। चलिए दोस्तों बात करेंगे इंजन के बारे में। बलिनो के अंदर दो इंजन आता है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देती है 83 bhp का पावर और 115 nm का टॉर्क देता है, और 1.3 लीटर डीजल इंजन भी आता है बलिनो के अंदर, वो देती है 74 bhp का पावर और 190 nm का टॉर्क देता है। और दोस्तों ये दोनों इंजन काफी ट्रायड एंड टेस्टेड इंजन है और ये बलिनो के अंदर आपको सीवीटी ट्रांसमिशन भी मिल जाती है। बात करेंगे टोयोटा ग्लांजा की, टोयोटा ग्लांजा के अंदर सिर्फ एक ही इंजन आता है,
1.2 लीटर पेट्रोल इंजन डीजल इंजन आता नहीं है, क्योंकि 1.3 लीटर डीजल इंजन आने वाला दिन में मार्च सुजुकी उसको बंद करने वाला है BS6 नॉर्म्स आने के बाद। इसकी वजह से टोयोटा ग्लांजा के अंदर आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल इंजन नहीं दिया गया है। वो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देती है 83 bhp का पावर और 150 nm का टॉर्क देता है। और ये एक स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, जब आप स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम यूज करोगे तो कार की माइलेज लगभग 3-4 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। वो टेक्नोलॉजी टोयोटा ग्लांजा के अंदर दिया गया है। दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने का मन किया, क्या आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में। गुड बाय।